अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? तो आज आप लोगों को ऑब्वियसली हम लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के स्टार्ट हो चुकी हैं और आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? दाहोद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें एडमिशन क्लास डेट, डिपार्टमेंट एंड उसके बाद प्रोग्राम कौन से हैं एंड आफ्टर दैट जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें आप लोगों से करवाऊंगा मैं और उसके बाद वेबसाइट भी हम लोग विजिट करेंगे। ठीक, इससे पहले अगर आप लोग सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और इससे पहले अगर आप लोग सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है या करेंगे आगे, और वो हमारा प्रोग्राम है नी अकेडमी अनाउंसेस ऑब्वियसली व्हाट एसएससी 2024 स्कॉलरशिप, ऑब्वियसली स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रिपरेटरी क्लासेस। ठीक, हमारी इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा फेमस प्रोग्राम है जिसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारी स्कॉलरशिप ही होती हैं, उसके बाद ये फेमस स्कॉलरशिप फिन वालों के लिए जो फिन में है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, तो यू मे टेक पार्ट इन दिस ऑब्वियसली। एंड नाउ लुक, इस प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों को मैथ्स और इंग्लिश से पूरा गुजारते हैं, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट प्रोग्राम में आप लोगों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स से ही टेस्ट लिया जाता है। जब आप पास करते हैं तो आप लोगों को फाउंडेशन सेमेस्टर में 6 महीने पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप लोगों के टेस्ट लिया जाता है, आफ्टर दैट आप लोग सिलेक्ट किया जाता है। मतलब ये है कि आप लोगों को ढोया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी छत में जो है वो सील वगैरह ना हो, पानी जो है खुला रहना, ठीक है, इसलिए आप लोग धोगे बिल्कुल पूरे तरीके से, आप लोग अच्छे तरीके से आगे भेज दिया जाता है। मेन फीचर ये है आप लोगों के, एंड उसके बाद ये ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सक्कर में हैं तो फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप लोग कहीं किसी भी सिटी से हैं तो हमें हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। नीचे यू में सी आवर व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप नंबर आप लोग कर सकते हैं और ये वाला, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें हमसे कॉन्टेक्ट करें और हमसे एडमिशन के बारे में जितना जल्दी हो सके आप लोग जरूर एडमिशन ले रहे हैं। फिजिकल की फीस जो है हम लोग 12,000 ले रहे हैं और ऑनलाइन की 8 पे है, ये 3 मंथ्स का पूरा कोर्स है। बुक्स एंड जो नोट्स हैं वो फ्री है, कॉस्ट है अगर कंप्लीट फ्री होगी तो फिजिकल के लिए। ठीक, हॉस्टल फैसिलिटी एंड जो मतलब है वो गर्ल्स बॉयज के लिए दोनों के लिए है, मगर हॉस्टल के लिए एक्सपेंसिव क्या वो अलग है, ठीक है, ये मैं श्योर करें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे जो हमारा हदा है। थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के बताऊंगा और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। भाई देखो, अंडर ग्रेड एंड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों के लिए, मतलब 4 साल इंटर के बाद पढ़ते हैं आप, 4 साल अंडर ग्रेड। ठीक, अच्छा, तो आगे जो है वो आप लोगों को थोड़ा मैक्श्योर करना होगा। ये सेशन 2023-24 है, ठीक है, बैच फॉल में आती है। एंड उसके बाद देखो तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेवेंस लीडिंग टू टेक्नोलॉजी टेक्नोप्रोनोरियल एक्सेलेंस। अब टेक्नोप्रोनोरियल क्या होता है, मतलब ये देखो, यूनिवर्सिटी कौन सी? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। अभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को मर्ज करके आप लोगों को एक बिजनेसमैन बनाएगी, ये टेक्नो एंटरप्रोनोरियल का ऑब्वियसली यही एक मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक, अच्छा, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इन्होंने अनाउंस किए हैं भाई, अगर आप लोग इंटर के बाद जाना चाह रहे हैं कहाँ पे? केमिकल इंजीनियरिंग पे, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एनर्जी पे, इंजीनियरिंग पे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पे, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम पे। भाई मतलब ये सारे आप लोग इंटर के बाद कर सकते हैं, ये बीई के प्रोग्राम कहलाते हैं। बीएस प्रोग्राम कौन से हैं? साइंस के हैं, मगर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद आर्किटेक्चर के जो है वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का ही ओनली है। अभी एमएस प्रोग्राम्स कौन कौन से आ रहे हैं? एमएस प्रोग्राम्स जो केमिकल इंजीनियरिंग में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आ रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आ रहा है, एमएस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आ रहा है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ है पीएचडी प्रोग्राम्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक, अच्छा, अब आगे हम जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये सारी पिक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर्स को देख के थोड़ा बहुत तो मन बहला दें आप लोग। अच्छा, अब देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब यो इंटर के बाद अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो 10 अगस्त आप लोगों के लिए लास्ट डेट है, 10 अगस्त। ठीक है, जो एमएस या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी जो लास्ट डेट है वो देखो, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंट्री टेस्ट विल बी अनाउंस वेबसाइट। क्लोजिंग डेट या कोई भी एंट्री टेस्ट की कोई भी यहाँ पे इन्होंने दी नहीं हुई, बट एप्लीकेशन डेट जो है अनाउंस की हुई है। ठीक है भाई, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होंगी आप लोगों की, एमएस और पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ।
सैलियंट फीचर्स देखिएगा जरा, फीचर्स फीचर्स में क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, फ्रीडम ऑफ कोर्सेज है, इजी फी स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है, मॉक इंटरव्यूज हैं, जॉब फेयर है। मॉक इंटरव्यूज आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि ये जॉब वगैरह के लिए ये मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होता है कि इंटरव्यू वगैरह कैसे देते हैं। आप लोग इंटरव्यू रिटर्न तो आप लोग पास कर लेते हैं मगर इंटरव्यू में रह जाते हैं, मगर ये उसके लिए प्रैक्टिस होती है। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह सारा है तो लेबोरेटरी तो होनी चाहिए। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो है, एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स ऑफ रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपार्टमेंट है, इन कैंपस डिस्पेंसरी विद डॉक्टर एंड फीमेल मेडिकल स्टाफ है, मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो सारी चीज़ें हो गई, ये तो हम लोगों ने जो पोस्टर में है वो दिखा दिया, और 300 डिग्री ऑब्वियसली इंडिजीनियस स्कॉलरशिप फॉर वन ऑफ दी एडमिशन, ऑब्वियसली फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो 300 स्कॉलरशिप मिलती हैं, वो एक क्राइटेरिया अलग है जो कि मैं आप लोगों को वो शो कराता हूँ, डोंट वरी। ठीक, ये मतलब ऑल अबाउट था इनके लिए ना, इसका जो कि जो पोस्टर में लिखा हुआ था, हाँ जो मैंने बताया और आप लोगों ने देखा। ठीक, अच्छा अब देखिए जरा नाउ लुक, ये सारे यूनिवर्सिटी के हैं और शाबाश, एक बार फिर इसको देख लें। ये देखें, उम्मीद है नजर आ रहा होगा, आई थिंक नहीं है नजर आ रहा आप लोगों को। नजर मुझे ना इसमें थोड़ा हो गया। अच्छा नौसी, देखिए अभी ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को जैसे जैसे आप लिंक ओपन करेंगे ना, आप लोगों को जैसे कि भले ये DUET.EDU.PK लिखें या आप लोग इधर यूं सिंपली लिख सकते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए जैसे आ गया ना दाऊद यूनिवर्सिटी, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं, आ गया, एंड उसके बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग, ये ऊपर पहले पहले ये लिंक लगाई हुई है कराची की, ये कराची की लोकेशन है इनकी, ये आप लोगों ने लगाया डायरेक्ट सेम सामने सामने ये आ गया। वाइस चांसलर्स मैसेज जो है वो ये आप लोगों के लिए पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे टाइम नहीं है इतना पढ़ाऊँ आप लोगों को। कैंपसेस कितने हैं, 2 हैं, डिग्री प्रोग्राम्स 23 हैं, इनके अंडर ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट्स जो हैं अभी करंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने हैं, 2664 हैं, PhD स्टूडेंट्स 100 हैं, इनके पास MS स्टूडेंट्स जो हैं इनके पास 250 हैं, PhD फैकल्टी जो है वो 75 PhD होल्डर्स पढ़ा रहे हैं, लीडिंग अलमनी जो हैं वो लीड जो कह रहे हैं वो 200 हैं, एंड ग्लोबल रैंकिंग जो है 1001 पे, मतलब ये है कि ग्लोबली किसी न किसी रैंकिंग में जरूर आती है। ठीक, अब HSC नीट पे जो स्कॉलरशिप है, HSC नीट पे जो स्कॉलरशिप होती हैं तो ये यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को, ये इस पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है वो भी Phase 3 आ गया इधर, और उसके बाद एक मिनट जरा मैं आप लोगों के काम का बताता जाऊँ। अब जब भी आप लोग ऑब्वियसली इसको ओपन करेंगे तो आई वुड सजेस्ट यू इधर जरूर ओपन कीजिएगा, ये देखें ना इधर इधर ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, देखें ये इधर ओपन करेंगे ना आप लोगों को सारा अंदाजा हो जाएगा क्या क्या करना है, थोड़ा बहुत सर्च करें। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भाई प्लीज सर्च जरूर किया करें, सर्च नहीं करेंगे ना आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर लगाऊं ऐसे लुक, ये देखिए अभी, हाँ अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये देखें ये आ रहे हैं, अब क्या क्या आ रहा है देखो भाई, यहाँ पे आ रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, ये डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल ये ओपन हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन हैं इधर, अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन चाहिए तो आप इधर पुट करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, माइग्रेशन पॉलिसी, एडमिशन गाइडलाइन, स्कॉलरशिप। माइग्रेशन पॉलिसी क्या होती है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि माइग्रेशन पॉलिसी वो होती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से आके आप 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़े आप लोग, 4 सेमेस्टर फिर ये एक्सेप्ट करती है नहीं करती, वो पे सारा प्रोसेस है। ठीक, एग्जामिनेशन में देखें, एग्जामिनेशन में क्या कह रहा है, पहले तो एकेडमिक्स में देखें, बट एकेडमिक्स इज ऑब्वियसली मेंशन्ड है। ओके देखिए उधर ये सारे आप लोग प्रोग्राम को देख सकते हैं, और उसके बाद एग्जामिनेशन देखें, रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, कॉन्वोकेशन वगैरह इनकी, एडमिशन, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ये बड़ा अच्छा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि टेक्नो एंटरप्रेन्योरियल मतलब टेक्नो मतलब के प्रनोरियल जो कहा है कि वो इधर पूरा होता है बिजनेस इंक्यूबेशन में। बिजनेस इंक्यूबेशन ही आपने स्टूडेंट को ज़्यादातर आप मतलब जो है
वो दे रहे होते हैं फैसिलिटीज के, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे एज ऑफिस नुमा होता है कुछ ऐसे ही लगाए होते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं और अपने बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कैरी ऑन करते हैं वो अंडर डिग्री, ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड अलमनी अफेयर्स एंड ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से इनके पास पूरा एक बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं, इनकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। रिसर्च के लिए ये देखें, पीएचडी और जो एमफिल स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च पे ज़रूर देखिएगा, कि पीएचडी और एमफिल जो स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादातर उनका काम रिसर्च पे होता है। तो यू गाइज हैव टू लुक एट दिस पोर्शन वेरी वेल, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मस्ट अप्लाई फॉर इट। स्टूडेंट्स जो है देखिए, स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए कौन, यूनिवर्सिटी पॉलिसीज, अकेडमिक कैलेंडर, रिजल्ट्स, इंटर्नशिप एंड कैरियर काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। और करियर्स जो है वो इधर देखें ज़रा, ठीक। अब ये सारी मतलब ऑब्वियसली इनके लिए था, और ये स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें, फीस स्ट्रक्चर का आप लोग वो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, एडमिशन के लिए देखें, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इधर आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग इस पर अप्लाई करें, ठीक है ना। अप्लाई से मुराद ये है कि विजिट करें वेबसाइट ना, एटलीस्ट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। देन होप यू गॉट इट, एंड होप ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बड़ी बेनिफिशियल हुई होगी, और बस दुआ करें आगे इंशाल्लाह वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए देते रहें, और हमेशा विजिट करते रहें हमारे पेजेस, यूट्यूब पेज, यूट्यूब भी हमारा, जैसे कि यूट्यूब पे देखें हमारे लिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो हमारी जो मी अकेडमी की बुक है उसमें से तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो ये सोल्यूशन भी दिया गया है, इंग्लिश पूरे माशाल्लाह से हमारे दिया गया है, जी के डायरेक्ट पेपर, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन, ये मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, ये सॉरी ये जीके का, ये देखें, ये एसटीएस जॉब्स प्रिपरेशन के लिए है, ये हमारे देखें सीएसपी के लिए जो 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 टेस्ट है उनकी सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग विजिट करें, आप लोग लगभग 900 वीडियोज हमारी तरफ से आप लोगों को मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखें, लिसनिंग के लिए हर चीज़ें, शॉर्ट स्टोरीज बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें इधर मेंशनड हैं। और ये देखें बड़े ज़बरदस्त टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इधर हैं, स्क्वायर रूट से, एक्सपोनेंशियल नंबर, नंबर सिस्टम, बेसिक अगर बनानी है आप लोगों को तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें, आप लोग इंशाल्लाह बेसिक बन जाएगी आराम से, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग विद अस, एंड इंशाल्लाह साथ हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में विद एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, हमेशा दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें।